सोएगी कब? ये मेरे ब्रदर भी सो जाएगा। ओके, और आपको उठाया किसने? मैं खुनी। इस शैतान बच्चे ने उठाया आपको? नॉटी 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 नॉटी। आई डिडंट डिड इट, यू डिड इट। आई डिडंट डिड इट, यू ओनली। हाय गाइस, तो रात के बज रहे हैं 12:30 और मेरी बेटी को लग गई है भूख। सॉसेज, शी विल ईट सॉसेज एट 12:30 AM। OMG, इट्स डन। यस, ओके, लेट मी चेक। ये सॉसेज हमने रखे थे माइक्रोवेव में बिकॉज ये फ्रोजन होते हैं, तो इनका पानी जो है वो इनकी जो बर्फ है वो पिघल जाए। पॉर द ऑयल इन। नो बेबी, नॉट हनी, वी जस्ट हनी इज गुड फॉर हेल्थ बट नॉट विद दिस। वी विल पुट ऑयल इन अ फ्राई पैन एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना कट दीस सॉसेजेस। टुडे वी आर गोना कट सॉसेजेस। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगा। So we are ready with sausage. What is it? Sausages. So we are ready with sausages. So we are ready with sausages and salami, जिसको कि वैष्णवी बोलती है sausages. So here we have sausages and salami. I hope you like this, as it's very very yummy. Let's try eat this salami. It's so yummy. Hi guys, welcome to VJ Logs. और जैसे कि आपको पता है कि मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ, तो आजकल बहुत सारा काम का प्रेशर पड़ गया है, जिसकी वजह से कि मैं कुछ भी खास एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ घर पे, या वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, फैमिली को भी बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज़, वीलॉग के वीडियोज़ तो मुझे ज़रूर बनाने हैं, तो एटलीस्ट मैं एक कुछ ना कुछ एक रेसिपी डेली छोटा मोटा या कुछ भी कुकिंग करके डालूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कढ़ाई पनीर, और रेसिपी आप भी देखिएगा वीडियो में और बताइएगा कैसा लगा आपको। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये ऑन रिक्वेस्ट कढ़ाई पनीर बन रहा है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरी मदर, जो कि चॉपिंग एंड लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने में और इन सब चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो अब मैं आया हूँ कढ़ाई पनीर बनाने, तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेट्स स्टार्ट। तो ये चॉप हो रहे हैं अनियंस। तो ये हमारे अनियंस रेडी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे मदर ने आज कटिंग में, चॉपिंग में हेल्प की है, और इसमें भी पेस्ट बनाने में भी लहसुन अदरक का। हमारे पास ऑलमोस्ट सारा सामान भी रेडी है, जस्ट थोड़े से टमेटोज जो हैं वो कद्दूकस करने रहते हैं। ओके, सो आप देख रहे होंगे टमाटोज को मैं चॉप नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं कद्दूकस कर रहा हूँ, बिकॉज टमाटोज जो हैं वो थोड़े हार्ड हैं और इनको गलने में बहुत टाइम लगेगा, और जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा काम है, बट स्टिल आई मैनेज टू कुक फॉर द वीडियो। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड लाइक द वीडियो। मिक्सी में करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
तो ये एक बेटर ऑप्शन है अगर आप मिक्सी में नहीं करना चाहते और बारीक बारीक करना चाहते हैं। सो वी आर डन विद टमेटोज, हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है ग्रेवी के लिए। तो अब शुरू करते हैं हम अपना कढ़ाई पनीर। भड़कती ज्वाला, चलिए हम रखेंगे कढ़ाई क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। ऑलराइट गाइस, तो हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल, तेल को गरम होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जीरा। इसमें अब हम डालेंगे दो लाल मिर्च। ओके, तो ये हमारा जीरा और जो मिर्च हमने डाली थी वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज। जब तक वो हल्का ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम पनीर कट कर, ये है हमारा पनीर। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन और प्याज दोनों अब भून के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनमें डालेंगे टमाटर। मैंने टमाटोज डाल दिए हैं। टमाटोज डालने के साथ ही हम इसमें नमक, हल्दी, कुटी मिर्च डाल देंगे, किचन किंग मसाला। ये सब डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर बंद करके रख देंगे ढक्कन, ताकि जो टमाटोज हैं वो गल जाएं। इसमें डालेंगे चॉप्ड कैप्सिकम। ये कैप्सिकम डालने से थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अलग आएगा इसमें उठ के। ढक्कन बंद करके रख देंगे। ढक्कन बंद करने से क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे टमाटोज हैं वो पानी छोड़ेंगे, वो गलेंगे, फिर वो ग्रेवी के बीच में मिक्स हो जाएंगे अनियंस और उसके लहसुन अदरक के पेस्ट में। फिर अब जो हम मसाले डालते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, हम मसाला कुछ भी डालते हैं, वो जो मसाला है उसको भी पकने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कच्चा होगा तो टेस्ट जो है वो कच्चा कच्चा आएगा इसमें से। अगर हम टाइम देते हैं पकने का तो वो टेस्ट जो है वो अलग ही आता है और खुशबू भी बहुत मस्त आती है। जब हम हल्दी को या मसालों को तेल में भूनते हैं जो कि इसके टमाटोज के साथ ही हम भून रहे हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आता है। देखिए क्या मस्त लग रहा है देखने में। थोड़ा सा कैप्सिकम डाल के इसमें क्या लुक आ जाता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर जो दिखता है ग्रेवी में उसका क्या बढ़िया लुक आता है। क्रीम, थोड़ी सी हम क्रीम डालेंगे और क्रीम जो है ये थोड़ा सा कढ़ाई पनीर में चिकनाहट लाती है बेसिकली। आप बटर हो तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम से थोड़ा सा टेक्सचर भी अच्छा आ जाता है ग्रेवी में, और जो कढ़ाई पनीर है वो भी थोड़ा लुक एंड फील इसका अच्छा दिखने लगता है। देखिए क्या मस्त टेक्सचर बना है ग्रेवी का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना पनीर। पनीर जो डाल दिया है,
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिलते हैं जब ये रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा कढ़ाई पनीर रेडी हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने इसमें पानी डाला था बिकॉज हमने राइस के साथ खाना है, तो राइस के साथ खाने के लिए आप ग्रेवी डाल सकते हैं, ग्रेवी में पानी डाल सकते हैं। और अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप सूखा सूखा भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत बढ़िया बनता है ये। तो ये हमारे बन चुके हैं बहुत बढ़िया वाले राइस, खिले खिले एकदम। अब हम आपको दिखाते हैं कढ़ाई पनीर का लुक। हमारा कढ़ाई पनीर हो चुका है रेडी, अब करते हैं इसको गार्निश। ओके गाइस, सो मेरी प्लेट हो गई है रेडी और मैं जा रहा हूँ अब खाने। आप लोग खाओ अपने दाल चावल, बाय बाय। है हमारी लस्सी, बताइए आपने क्या क्या डाला है इसमें। इसमें डाला हमने थोड़ा जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी हींग और काला नमक। इसी के साथ बन गई, इसी के साथ बन गई हमारी लस्सी, बढ़िया लस्सी। तो लस्सी के साथ इसका कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है, बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको देख के? बढ़िया गाइस, तो जैसे कि मेरी थाली है रेडी, अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके कि ये कैसा लग रहा है। उम्मीद है बहुत अच्छा बना होगा। तो हम लेंगे थोड़ा सा पनीर के साथ राइस और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। गजब, बहुत ही गजब का बनाया, मज़ा आ गया। सो हियर वैष्णवी इज गोइंग टू टेस्ट कढ़ाई पनीर, प्लीज टेल मी हाउ इज इट। ओके, कैसा बना है? कैसा बना है इधर देख के बोलो ना। असम, थैंक यू, गिव मी अ थम्स अप। हाय, कैसा बना? यम्मी बना है? ओके। ओह माय गॉड, इज इट सो यम्मी? टेस्ट करना है, मैं देख रहा हूँ, मेरे काकू भी देखो जा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। रखा उसमें पनीर, पनीर पे चावल डाले, उठाया और खा गई।